दशहरे पर इस बार भी जगह जगह रावण वध और रावण के पुतले को जलाया जाएगा। ग्वालियर के शताब्दीपुरम में 65 फिट के रावण का दहन किया जाएगा। चेतना मंच ग्वालियर के शताब्दीपुरम दशहरा मैदान में विशाल दशहरा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सबसे बड़े 65 फिट के रावण का दहन किया जाएगा। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामायण पर आधारित नृत्य नाटक कथा श्री राम की होगी। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। चेतना मंच के अध्यक्ष दीपक तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्षों से शताब्दीपुरम में इस दशहरा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने नाटक निर्देशक पंडित ब्रज किशोर दीक्षित के निर्देशन में कथा श्री राम का आयोजन होता है। शताब्दीपुरम स्थित न्यू दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। 12 तारीख शाम को 8 बजे सभी धर्म प्रेमियों को चेतना मंच आमंत्रित करता है। इस वर्ष श्री कथा श्री राम की नामक नृत्य नाटिका नृत्य निर्देशक पंडित ब्रज किशोर दीक्षित जी के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। 1 घंटा 20 मिनट की इस नृत्य लीला में 100 से अधिक बच्चे बच्चियाँ और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, जिनमें रावण का जो रोल है हमारे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार दिनेश चंद्र दुबे जी निभा रहे हैं। इसके अलावा 100 से अधिक बच्चे हैं जो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और शताब्दीपुरम में ये जो रामलीला का मंचन होगा, ये बेहद उच्च स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर का मंचन है। आप लोग आएं, इसका आनंद लें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।